खबर सबसे पहले आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोरदार प्रचार तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल खबर ये कि राजभवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और धमतरी में सभा करने के बाद वो राजभवन गए। और आपको बता दें कि राजभवन में ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि विश्राम करेंगे। पहली बार राजभवन में पीएम रात को रुकेंगे। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन में छत्तीसगढ़ में रात को ठहरेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। पीएम ने बता दें आपको कि आज जांजगीर चांपा और धमतरी में सभा को संबोधित किया, और यहाँ पर रात्रि विश्राम करने के बाद वो कल मध्य प्रदेश का रुख करेंगे और वहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रोड शो निकालेंगे, हरदा और सागर में वहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन आज जांजगीर चांपा में उन्होंने सभा को संबोधित किया और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं, दो दिवसीय दौरे पर हैं वो छत्तीसगढ़ में, और एक रात राजभवन में गुजारेंगे। राजभवन वो पहुंच चुके हैं, मेरे पीछे मैं कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं, भारी संख्या में इस इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। और राजभवन जाने का जो अंदर का रास्ता है, यहाँ पर इस रास्ते को सील कर दिया गया है, यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई आवाजाही जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अलग अलग बल जो है, अलग अलग फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। SPG ने इस पूरे इलाके को अपने सुरक्षा घेरे में लिया हुआ है, और राजभवन का ये जो रास्ता है, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इक्का दुक्का वाहन ही यहाँ से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आगे बैरिकेटिंग की गई है, और बैरिकेटिंग में केवल छोटे वाहन या वो ज़रूरी वाहन जो यहाँ से रोज़ाना निकलते हैं वो उनको थोड़ी परमिशन दी गई है, बाकी की रूट को जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा के लिए यहाँ पर तमाम इंतजाम है, ट्रैफिक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन पहुँचने के बाद वहाँ पर राज्यपाल से मिलेंगे, और राज्यपाल से मिलने के बाद उनके जो रात में रुकने की व्यवस्था है उसके लिए बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं किया गया है, केवल और केवल सादा और सिंपल भोजन वो करने वाले हैं, अकेले में वो भोजन करेंगे। PMO के कुछ अधिकारी जरूर उनके साथ रह सकते हैं। फिलहाल राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी 10 सालों से प्रधानमंत्री जब से वो बने हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार ऐसा होगा जब वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रुक रहे हैं। राजभवन वो पहुंच चुके हैं, उनका काफिला एयरपोर्ट से निकला, उस दौरान बहुत सारे सड़क जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए थे। रायपुर शहर में ट्रैफिक को लेकर थोड़ी सी परेशानी लोगों को जरूर झेलनी पड़ी है, और ऐसी परेशानी सुबह 9 बजे तक रहेगी जब तक वो राजधानी रायपुर से रायगढ़ या फिर जबलपुर के लिए रवाना नहीं हो जाते। फिलहाल अंबिकापुर में एक और उनकी सभा बची हुई है, और अंबिकापुर में सभा करने के बाद PM मोदी जबलपुर के लिए रवाना होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।